गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बेटे, आज नेक्स्ट पोएम लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट लिखी है पेब्लो नेरुदा ने। जैसे कि नाम से ही पता है, ये शांति के बारे में है। शांति बनाए रखो, क्वाइट शांति, ठीक है। ये जो पोएम है ये वायलेंस के विरुद्ध है, वार के विरुद्ध है, हिंसा के विरुद्ध है, युद्ध के विरुद्ध है, वार इंडस्ट्री के विरुद्ध है, और ये इंट्रोस्पेक्शन के फार्मूले पर जोर देती है। इंट्रोस्पेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्म विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन। आदमी कुछ समय के लिए शांत हो जाए, अपने आप को, अपने आप का आत्म मूल्यांकन करें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमियों को देखें, अपने दोषों को देखें और उन पर काम करें, अपने गलतियों को ठीक करने का प्रयास करें। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर आप ताजा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो लॉकडाउन से क्या आपने अजीब नजारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सब शांत है, ज्यादा वाहनों की आवाजाही नहीं है, बिल्कुल पूरा देश शांत है। कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं, सभी को एक अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, एक दूसरों को जानने का मौका मिल रहा है, अपनापन बढ़ रहा है, फेलो फीलिंग्स बढ़ रही है। वही आइडिया इस पोएम के द्वारा कवि ने दिया है। तो चलते हैं पोएम की ओर। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहां तक देखिए, मीनिंग देखिए, बिल्कुल इजी पोएम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। काउंट आपको पता है गिनना, स्टिल क्या होता है, शांत काम, ठीक है। फेस चेहरा, स्पीक बोलना, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन भाषा। मुंह हिलाना, आर्म्स बाजू, सो मच। देखिए यहां तक देखिए, कभी कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एक से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस धरती के चेहरे के ऊपर या इस धरती पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आप कोई भी भाषा न बोलें, सभी एकदम बोलना बंद कर दें, सभी बिल्कुल चुपचाप हो जाएं, शांत हो जाएं, तो क्या होगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ एक सेकंड के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आर्म्स सो मच, आर्म्स बाजुएं, और अपनी बाजुओं को इतना ज्यादा न हिलाएं। इस लाइन का ये अर्थ है, कोई भी काम न करें, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाए, बिल्कुल रुक जाए, पूरा देश में शांति हो जाएगी। आगे देखिए, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं, इसका क्या मीनिंग है। एक्सोटिक मोमेंट, विचित्र पल, अजीब, विदाउट रस। रस क्या होता है, भाग दौड़, रस मीन भाग दौड़। जो आज का मानव रेड रेस में शामिल हो रहा है, इंजन, इंजन आपको पता हुआ, इंजन मशीन, टुगेदर इकट्ठे, सडन स्ट्रेंजनेस, इट मींस अकस्मात, विचित्र, अजीब दृश्य, एकदम हो जाए। अब यहां तक देखो, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, क्या होगा जब सभी काम करना छोड़ देंगे, बिल्कुल सभी शांत हो जाएंगे कुछ पल के लिए, तो क्या होगा, एक बड़ा ही विचित्र पल होगा, अद्भुत नजारा होगा। विदाउट रस, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, विदाउट इंजन, कोई इंजन नहीं होगा, इट मीन्स कोई भी मशीन काम नहीं करेगी, कोई भी किसी भी मशीन के ऊपर काम नहीं कर रहा होगा, सभी उद्योग इंडस्ट्रीज सब रुक जाएंगे। We would all be together. हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे। It means सभी मानों में, पूरी मानव जाति में अपनापन छा जाएगा।
मोहब्बत प्रेम बढ़ेगा, इन्हें सडन स्ट्रेंथनेस और सभी एक अकस्मात विचित्रपन से सभी इकट्ठे हो जाएंगे, हेलो फीलिंग्स आ जाएगी। आगे चलिए, आगे एक बार वर्ड मीनिंग देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन क्या होता है? मछुआरे। जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली पालन करते हैं। इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, हार्मिंग क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, मैन गैदरिंग साल्ट इट मींस नमक इकट्ठा करने वाला आदमी जो समुद्र तट पर काम करता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, इस हर्ट का मतलब क्या है? घायल, जख्मी। Those who prepare green wars, हरा युद्ध, wars with gas, wars with fire, gas, fire, आग, victory with no survivors, victory क्या होता है? Victory mean जीत, triumph, survivor, survivor होता है विजेता। विजेता वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग, सैड मीन छाया भी होती है, आश्रय स्थल। या कहें विश्राम ग्रह। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यहां से देखिए, ठंडे सागर में मछुआरे व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मछलियों को नहीं पकड़ेंगे। कहने का मतलब शिकारी शिकार नहीं करेगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा सब अपनी जगह पर रुक जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और ऐसा होने से क्या होगा? समुद्र तट पर नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने जख्म भरे हाथों को देखेगा कि उसको मौका मिल जाएगा अपने जख्मों को ठीक करने का, शांति मिल जाएगी। Those who prepare green wars, वो लोग जो ग्रीन वार, जो युद्ध तैयार करते हैं, यहां पर हरे युद्ध तैयार करते हैं। हरा युद्ध किसको कहा है? जो आदमी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा, आज का मानो अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर रहा है, भरपूर प्रयोग का मतलब हद से ज्यादा प्रयोग कर रहा है और प्रकृति को का विनाश कर रहा है। Those who prepare green wars, जो लोग युद्ध तैयार करते हैं, wars with gas, गैस के साथ युद्ध करते हैं, wars with fire, आग के साथ युद्ध करते हैं। विक्ट्री, जीत तो होगी, विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई बचेगा नहीं, कोई विजेता नहीं रहेगा। यहां पर कवि इस बात की तरफ ध्यान हमारा आकर्षित करना चाहता है कि अगर इसी प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करता रहेगा तो प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे, प्रकृति का हास करता रहेगा तो वह खुद ही अपने खोदे गए गड्ढे में गिर जाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, फिर क्या होगा? सफेद कपड़े पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद, अगर शांति से रुक जाएंगे तो सभी सफेद कपड़े पहन लेंगे, साफ कपड़े पहन लेंगे, इट मींस साफ कपड़े पहन लेंगे, क्लीन क्लॉथ्स। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ बाहर घूमने निकलेंगे, इन द शैड छाया में रुक जाएंगे, डूइंग नथिंग कुछ नहीं करेंगे। तो ये थी आपकी पोएम कीपिंग क्वाइट, आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ये जो पोएम है ये हमें ये कहना चाहती है कि हे मानव इतना तेज मत भाग, भाग दौड़ को थोड़े शांत कर और रुक और सोच आप क्या कर रहे हो, अपने बारे में सोचो, अपने कमियों को खंगालो और उनकी अपनी खामियों को दूर करके इंसान बनो, दानव मत बनो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।